गाइस, कैसे हो आप? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग कैसे चालू करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। गाइस, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे। ओपन करें और दोस्तों हम यहाँ पर सर्च करेंगे IPPVF। उसका दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। गाइस, इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ओपन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये ऐप आपसे परमिशन मांगे अलाउ करेंगे। उसका दोस्तों फिर से हम अलाउ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है लॉगिन नाउ, इस पर क्लिक करेंगे हम। उसका दोस्तों यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स डालना होता है। जैसे गाइस, सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। उसका दोस्तों सारी डिटेल्स डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे गाइस अपना 4 डिजिट का एम पिन बनाएंगे। उसका दोस्तों फिर से वही एम पिन यहाँ पे डालेंगे। सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे हम। उसका दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे गाइस, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से नया फीचर ऐड हुआ है। यहाँ पे गाइस लिखा है ऐड सिक्योरिटी कंसर्न। यहाँ पे गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ योर बर्थ, यानी गाइस आपका जन्म स्थान कहाँ है। यहाँ पे गाइस अपना जन्म स्थान डालेंगे। उसका दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्कूल यू हैव अटेंडेंस। यहाँ पे गाइस अपना स्कूल का नाम डालेंगे। उसका दोस्तों आप अपना फेवरेट फ्रेंड का नाम, उसका दोस्तों अपने फेवरेट टीचर का नाम, सारी डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों ये परमिशन मांगे अलाउ करेंगे यहाँ पे। उसका दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। जैसे गाइस हमारा OTP आ चुका है। गाइस यहाँ पे लिख के आ चुका है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। उसका दोस्तों हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों जो आपने एम पिन बनाया वो अपना एम पिन डालेंगे यहाँ पे। उसका दोस्तों हम IPV मोबाइल बैंकिंग लॉगिन हो जाएंगे। उसका दोस्तों जैसे यहाँ पे सारी डिटेल्स हो जाएगी। उसका दोस्तों यहाँ जैसे इस इंडिया पोस्ट पेमेंट से क्या क्या सर्विस है, जैसे गाइस सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी। उसका दोस्तों हम अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर किसी 100 QR कोड में, उसका दोस्तों जैसे नीचे की तरफ सर्विसेज हैं, जैसे पे बिल, पोस्ट ऑफिस सर्विस भी है। यहाँ पर गाइस हम अपना डेबिट कार्ड भी चेक कर सकते हैं। उसका दोस्तों ऑल अकाउंट, यहाँ पर गाइस और भी सर्विसेज हैं। उसका दोस्तों जैसे मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल पोस्टपेड, लैंडलाइन पोस्टपेड, यहाँ पर गाइस इलेक्ट्रॉनिक बिल भी पे कर सकते हैं, DTH रिचार्ज। उसका दोस्तों यहाँ पे गैस। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही ऑनलाइन अपडेट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।